हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ सोया कोरमा की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोया कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने 1.5 कप सोयाबीन लिया है और अब हम इसे बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पर एक पतीले में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे और जैसे ही हमारा पानी थोड़ा गर्म हो जाए हम सोयाबीन को इसमें ऐड कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। जैसे ही हमारे पानी में उबाल आ जाए तो गैस बंद करके इसे ढक करके छोड़ दें। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा सोयाबीन अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे और इसे अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे। देखिए हमारे सोयाबीन तैयार है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और गैस पर एक कढ़ाई लगा देंगे और इसमें 2 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड करेंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम उसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 5 से 6 लौंग, 12 से 15 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 चक्रफूल, 5 से 6 हरी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे और इसे क्रैकल होने देंगे। जैसे ही हमारे खड़े मसाले क्रैकल हो जाएंगे अब हम इसमें रफली चॉप किया हुआ 1/2 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। अब हम इसमें 2 स्प्लिट की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसे भी 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। देखिए हमारी अदरक लहसुन और हरी मिर्च सौते हो गई है। तो अब हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज को जूलियंस कर लिए हैं तो उसे ऐड करके हम 5 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। हमें प्याज को बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। देखिए हमारे प्याज अब हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें 7 से 8 काजू ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 2 बड़े टमाटर रफली चॉप किए हुए ऐड करेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही कुक होने देंगे। देखिए हमारे प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसकी पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट बनाने के लिए हम मिक्सर को जार में निकाल लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। तो इसे साइड में रख देते हैं और अब उसी कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे और उसमें 1/4 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जैसे ही हमारा जीरा क्रैकल हो जाए इसमें 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे और उसके बाद फाइनली चॉप किया हुआ 1 स्मॉल प्याज ऐड करेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। देखिए हमारा प्याज अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो ऐड कर देंगे और इसे 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारा पेस्ट अच्छे से कुक हो जाए। देखिए हमारा पेस्ट अच्छे से कुक हो गया है। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम 1 टेबलस्पून धनिया और जीरा का पाउडर ऐड करेंगे, उसके बाद 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हमारे मसाले अच्छे से पक गए। तो अब हम इसमें 1/2 कप दही को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने ग्रेवी में कलर लाने के लिए इसमें चुटकी भर रेड फूड कलर ऐड किया है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें
अदरवाइज़ आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो इसे ढक करके 5 मिनट के लिए कुक होने दें। 5 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है। अब ये पूरी तरह से तैयार है, तो अब हम इसमें जो हमने सोयाबीन बॉईल करके रखा था वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अब हम इसमें ऊपर से 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी स्प्रिंकल करेंगे। और उसके बाद अब हम इसमें 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स करने के बाद ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारा सोया कोरमा तैयार है। तो गैस बंद कर दें और आप इसे रोटी, चपाती, राइस या नान के साथ खा सकते हैं। तो आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।